हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एट द रेट सर्वरोशन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज्यादा। आज हम लोग हाल ही में कंप्लीट हुआ 23वां आईफा अवार्ड्स के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले तो हमें जानना पड़ेगा, ये आईफा तो हमेशा सुनते हैं, आईफा का फुल फॉर्म होता क्या है? इंटरनेशनल इंडिया फिल्म एकेडमी आईफा का फुल फॉर्म है। और अब हम लोग कुछ आपको क्लू भी देंगे, कौन क्या जीता नहीं जीता आप गेस करेंगे। और इसका आईफा का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है बताए? हाँ, मालूम, समझ गए होंगे कौन है, अमिताभ बच्चन। ठीक है, और पहली बार आईफा अवार्ड का जो सेरेमनी था वो 2000 साल में यानी कि 2000 में लंदन में कराया गया था। और इसमें जो प्राइज या अवार्ड दिया जाता है किस बेसिस पे दिया जाता है? फॉर वोट फॉर देयर, जो फैन जो रहते हैं वो वोट करते हैं अपना चहिता कलाकार के बारे में, उन ज्यूरी का इसमें कोई हाथ नहीं रहते हैं। तो ये जो 23वां नेक्सा आईफा अवार्ड 2023 हुआ, पहला मैं बता दूं नेक्सा क्या है। नेक्सा एक प्रीमियम कार है जो कि मारुति सुजुकी का एक ब्रांड है। ओके, ये 23वां आईफा अवार्ड हुआ, ये इत्तेहाद एरेना यास आइलैंड जो कि अबू धाबी यूएई में है वहां पर इसे कराया गया। और होस्ट कौन थे? हमारे दो जीजा जी होस्ट थे, ठीक है, एक ऐश्वर्या के पति और एक कतरीना के पति, यानी कि अभिषेक बच्चन और विकी कौशल। ठीक है, और सबसे ज्यादा अवार्ड किसे मिला, कौन सा मूवी को मिला? ब्रह्मास्त्र को मिला, 6 अवार्ड ब्रह्मास्त्र को मिला, और गंगूबाई काठियावाड़ी को 5 अवार्ड मिला। ओके, और सबसे ज्यादा एक नाइट में माने एक ही अवार्ड फंक्शन में कौन सा मूवी को मिला था? 3 इडियट्स को 2009 में 18 अवार्ड मिला था। अच्छा, अब हम लोग कुछ कैटेगरी देख लेते हैं, किस कैटेगरी में किसको क्या मिला। बेस्ट एक्टर मिला ऋतिक रोशन को विक्रम वेदा मूवी के लिए। ओके, और ये उनका 5th अवार्ड था एज एन एक्टर। अब उन्होंने शाहरुख खान के जो 4 अवार्ड था उसे पीछे छोड़ के सबसे ज्यादा अवार्ड जीतने वाले ये बन चुके हैं। अब बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिला, आपको पता ही होगा, पिछले साल काफी चर्चा में थी, शादी भी हुआ, बच्चे भी हुआ, सभी कुछ हुआ, आलिया भट्ट। बट हाँ, इसमें याद रखना होगा ब्रह्मास्त्र के लिए नहीं मिला, गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी के लिए मिला। और ये लेके इनका ये 4 अवार्ड है एज एन एक्ट्रेस, और रानी मुखर्जी का 3 था और अभी इनका 4 हो गया, मतलब ये आगे निकल गई। और ये जो गंगूबाई काठियावाड़ी है ये एक रियल लाइफ गैंगस्टर जिनका 1960s बॉम्बे में गंगू हरिवंश दास काठियावाड़ी नाम था, उन पर ये आधारित है। अच्छा, बेस्ट फिल्म कौन सा बना? बेस्ट फिल्म बना वही मूवी जो गोवा में जाता है 2 अक्टूबर में सत्संग में, पानाजी याद है, दृश्यम 2। और इसके जो डायरेक्टर थे अभिषेक पाठक, याद रखेंगे आप। और बेस्ट डायरेक्टर का जो अवार्ड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये खास है, इसलिए ये मिला है आर माधवन को, वही आर माधवन जो 3 इडियट्स में फरहान बने थे और हमारे टाइम के आर स्टेडियम के मैडी थे। ठीक है, तो उनका जो मूवी वो डायरेक्ट किए थे रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। ओके, और इस मूवी के वो राइटर भी थे, प्रोड्यूसर भी थे, एक्टर भी थे। और ये नंबी कौन थे? ये इसरो के एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं पर आधारित ये मूवी था। अब हम लोग और भी कुछ कैटेगरीज के बारे में देख लेते हैं जिसमें अवार्ड मिला है जो कि इम्पोर्टेंट माना जाता है। ठीक है, हम लोग 23rd आईफा में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का मिलता है, जो कभी बूढ़ा नहीं हो रहे हैं, हमेशा जवान है, हाँ आप सही समझे, अनिल कपूर को जुग जुग जियो मूवी के लिए बेस्ट एक्टर का, सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड इन्हें मिलता है। और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड किसे मिलता है? मैं एक म्यूजिक दूंगा, आप पहचानेंगे। याद आया? हाँ, टेलीविजन इंडस्ट्री की सबसे पहली नागिन यानी कि मौनी रॉय ब्रह्मास्त्र मूवी के लिए इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला। और बेस्ट डेब्यू मेल किसे मिला? 2 जन को मिला, एक का नाम है शांतनु महेश्वरी गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी के लिए, और एक का नाम है बाबिल खान। ये बाबिल खान कौन है? इरफान खान जो गुजर चुके उनके ये लड़के हैं, और उनका मूवी का नाम था काला, QALA। ओके, और बेस्ट डेब्यू फीमेल किसे मिला अवार्ड? खुशाली कुमार धोखा अराउंड द कॉर्नर मूवी के लिए, ये भी आप याद रखेंगे। अच्छा, अब जो मैं अवार्ड बोलने वाला ये इम्पोर्टेंट है, इसको आपको याद रखना ही होगा, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन इंडियन सिनेमा यानी कि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये मिला है कमल हसन को जो कि बहुत ही जाने माने तमिलनाडु के एक्टर हैं और इंडिया के भी। एआर रहमान जो है महान म्यूजिशियन, उन्होंने इस अवार्ड को उन्हें दिया। और पहली बार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड आईफा में किसे मिला था? 2 जन को मिला था, एक सुनील दत्त संजय दत्त के पापा और एक लता दीदी लता मंगेशकर, जिसके बारे में मैंने कल भी कहा था मन की बात में। अच्छा, आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट इन रीजनल सिनेमा इस बार मिला है रितेश देशमुख को एक मराठी मूवी वेद, उसको डायरेक्ट करने के लिए।
रितेश देशमुख, आप पहचानते होंगे रितेश और जेनेलिया, हमेशा रील्स में दिखते रहती हैं। ओके, अब बेस्ट सिंगर मेल अरिजीत सिंह को मिला केशरिया गाने के लिए। बेस्ट सिंगर फीमेल मिला श्रेया घोषाल रसिया गाना, वो भी ब्रह्मास्त्र से है। और बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड भी प्रीतम को मिला ब्रह्मास्त्र मूवी के लिए। ओके, और बेस्ट लिरिक्स लिखने का अवार्ड मिला अमिताभ भट्टाचार्य केसरिया सॉन्ग को। तो ये सब मोटा मोटा मैंने बता दिया, और भी है एक बार आप देख लेंगे, जो कुछ टेक्निकल अवार्ड है ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एग्जामिनर का कुछ बोला नहीं जा सकते, एक बार सिर्फ देख लेंगे आप। ओके, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, प्यार बांटे, खुशियां बांटे और ज्ञान तो जरूर बांटे। मिलते हैं अगले वीडियो में।